वेलकम बैक फ्रेंड्स बिस टीवी में। आप लोग हमारे वीडियोस को लगातार एंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा और काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं हमारे, बहुत तेजी के साथ सब्सक्राइबर बढ़ भी रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और उसे सब्सक्राइब करते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा लीक से हटकर है। दोस्तों, जीवन में तीन ऐसी बातें होती हैं जो आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर या फिर एक प्रोफेशनल बनने से रोक देती हैं। आखिर वो क्या है तीन कड़वी बातें, आइए आपको बताते हैं हम इस वीडियो में। थ्री थिंग्स डेट मेक्स यू ए फेल्ड बिजनेस पर्सन। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे मुश्किल पहला स्टेप यह होता है। आपको ऐसे कई एडवाइस देने वाले लोग मिल जाएंगे जो आपसे ये कह देंगे कि आप अपना काम इस तरह शुरू करो। कोई आपसे बोल देगा आप अपनी मार्केटिंग कंपनी शुरू कर दो। कोई आपको ऑनलाइन बिजनेस में हाथ आजमाने को कह देगा। कोई आपको रियल एस्टेट में हाथ आजमाने की सलाह दे देगा। तो कोई आपको प्रोडक्शन हाउस लगाने को बोल देगा। और आपको भी बिजनेस चलाने का चाहे कोई भी एक्सपीरियंस ना हो, पर आप भी इस गलतफहमी में पड़ जाओगे कि ये बिजनेस तो बड़ा आसान काम है और रातों रात आपको क्लाइंट मिल जाएंगे, चाहे आपके पास कोई क्रेडिबिलिटी या बिजनेस एक्सपीरियंस होना हो। ये सो कॉल्ड एडवाइजर्स ये बात नहीं बताएंगे कि इन सब बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है। चलिए आपके पास आइडिया भी अच्छा हो, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बन ही जाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ वो तीन बातें जो आपको एक फेल्ड बिजनेस पर्सन बना देती हैं। फॉलोइंग फेक बिजनेस एंड लाइफस्टाइल गुरुस। इंटरनेट ने ऐसे कई लोगों को रातों रात स्टार बना दिया जो अपनी लाइफ में फेल हो चुके थे, पर अब ये लोग करोड़ों फॉलोअर्स के साथ आपको बिजनेस करने के तरीके बताते हैं। ये ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें हर बिजनेस के बारे में बड़ी डीप नॉलेज है। आप जैसे यंग लोग भी इनकी बातें करने की अदा डायलॉगबाजी में फंस जाते हो और इनके बताए टिप्स को फॉलो करने लगते हो। मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसे फर्जी बिजनेस गुरु से बच के रहना। इन लोगों की तमक झमक और स्टेज ड्रामे से दूर रहना। इनके कोर्सेज या क्लासेस ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोच लेना। दोस्तों, मैं भी एक बिजनेस पर्सन हूं, तो मेरी बात माने तो बिजनेस बहुत ही टेढ़ा खेल होता है और हर बिजनेस का मॉडल अलग होता है, उसकी मार्केटिंग की तरकीब अलग होती है, विजन अलग होता है। और ये फर्जी बिजनेस गुरु आपके बिजनेस के बारे में ऊपरी नॉलेज तो दे देंगे और आपको भी लगेगा कि अरे ये तो मेरा सच्चा मार्गदर्शक है, इससे जुड़ के मुझे सचमुच बहुत फायदा होगा। और ये फर्जी बिजनेस गुरु आपको सलाह देने की मोटी बिजनेस फीस भी वसूल लेते हैं। और इनके फर्जी कोर्सेज खत्म होने के बाद इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आगे चलकर आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। तो मेरी माने तो आप अपने बिजनेस के बारे में खुद रिसर्च करें, असेसमेंट करें और तब जाके बिजनेस करने का फैसला करें, ना कि इन फेक लोगों की बातें सुने। ट्राइंग टू डू द थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ही शुरू करना चाहते हैं और ये शायद बहुत कॉस्टली ना भी हो, पर फिर भी एक छोटी ही सही पर एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो चाहिए ही होती है। उम्मीद करिए कि आपका ये बिजनेस मॉडल चल जाए, पर अगर ये ना चले तो फिर क्या होगा? आपने तो अपनी सारी लाइफ सेविंग इस बिजनेस प्रोजेक्ट में झोंक दी, पर अब क्या होगा? अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? अच्छा ये है कि आप अपने सारे एक्स एक ही बास्केट में डालने के बजाय आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप उस स्किल सेट पर खर्चा कीजिए जिसकी रिटर्न भी आपको मिले और आपका पैसा वसूल हो, और इससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। और तब जाकर आप जब स्किल सेट पर महारत हासिल कर लें तब जाके अपना बिजनेस शुरू करें। इन एबिलिटी टू टर्न प्रोस्पेक्ट्स इनटू क्लाइंट्स। ज्यादातर लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते, वो तो बस टेक्नीशियंस होते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के ऑब्सेशन में डूबे होते हैं। यहाँ मेरा मतलब यह है कि कुछ लोग टेक्निकल चीजों में जबरदस्त होते हैं, पर एक एंटरप्रेन्योर होने का स्किल उनमें नहीं होता। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि चीजों को कैसे बेचा जाए। देखिए, आप तब तक बिजनेस मत शुरू करें जब तक आपको कुछ बेचना ना आए। एक असली एंटरप्रेन्योर वही इंसान हो सकता है जिसे बेचना आए। अगर बेचना ना आए तो बिजनेस मत शुरू कीजिए। देखिए, बिजनेस में डील क्लोज करनी ही पड़ती है, तभी पैसा आता है और आपकी दुकानदारी भी चलती है। बिजनेस करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कब क्या बोलना है उसकी समझ होनी चाहिए। देखिए, एक स्मार्ट बिजनेस पर्सन जो हो सकता है आपका एक फ्यूचर क्लाइंट भी हो, आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है और आप अपनी अकड़ में उससे कुछ भी बोल जाते हो और शायद यही आप एक फ्यूचर क्लाइंट भी खो बैठते हो। अब मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा और अगर बिजनेस में सक्सेस पाना चाहते हो तो इन बातों पर गौर फरमाना मत भूलना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एडवाइस जरूर पसंद आई होगी और आप आगे भी हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।